the figure given below. Diameter AB and chord CD of a circle meet at P. ठीक है, AB diameter को आगे produce किया जाता है, तो यहाँ पे P point है. CD और AB को जब आगे produce किया जाता है, तो P point पे वो क्या करते हैं? Intersect करते हैं. ठीक है, PT is a tangent to a circle at P. PT जो हमारा है tangent है, वो P point पे सर्कल को मीट करता है. ठीक है, CD is equal to 7.8 सेंटीमीटर, PD is equal to 5 सेंटीमीटर, PB is equal to 4 सेंटीमीटर. ये सारे वैल्यूज हमको गिवन है, हमें AB बताना है और टेंजेंट PT का लेंथ बताना है. क्लियर, सबसे पहले गिवन जो भी चीजें हैं वो लिख लेते हैं. ठीक है, CD हमारे पास है 7.8 सेंटीमीटर. क्लियर, PD है 5 सेंटीमीटर एंड PB है 4 सेंटीमीटर. क्लियर, अब देखो यहां पे हम थ्योरम की अगर बात करें, बाय द थ्योरम, सबसे पहले थ्योरम लिख लेना जरूरी इसलिए होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है भाई कौन सा वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्या हमें करना है इसमें, तो हमारे पास सारे वैल्यूज हो जाए हमारे इक्वेशन के लिए. ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, PA into PB is equal to PC into PD. ठीक है, यही फॉर्मूला चाहे वो एक्सटर्नली दो क्वाड हैं जो एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए हमारे पास यही इक्वेशन है. ठीक है, अब हमारे पास गिवन PA चाहिए, PB चाहिए, PB है, PA हमको चाहिए. ठीक है, और आगे हमारे पास PD है और CD है, दैट मीन्स PC भी चाहिए. अच्छा, एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें अपने CD की, ठीक है, CD की अगर बात करें तो CD is equal to क्या हो जाएगा, सॉरी CD तो ही है हमारे पास, PC फाइंड कर लेते हैं पहले. ठीक है, अगर PC की बात करें तो PC हमारे पास क्या हो जाएगा, PD plus CD. ठीक है, PC निकालना है हमको, PD हमारे पास कितना है 5 प्लस CD कितना 7.8, तो यहां से PC हमारे पास हो जाएगा 12.8 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर, तो अब आ जाओ यहां पे भाई, PA हमको फाइंड करना है, PB हमारे पास है 4, PC आ गया 12.8 इंटू PD कितना है 5. क्लियर, PA इज इक्वल टू 12.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4. 4 को हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 4 से इसको हम डिवाइड कर दे तो 4 3 सा 4 2 सा, PA इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3.2. क्लियर, यहां से PA फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 15 1 16, तो PA हमको यहां से मिल गया 16 सेंटीमीटर. क्लियर, हमको बताना है AB. ठीक है, अगर हम लोग AB की बात करें यहां पे, सॉरी AB नहीं, PA की बात करें. ठीक है, तो PA इज इक्वल टू, अगर यहां पे हम इस लेंथ की बात करें BA की, तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस PB. ठीक है, AB प्लस PB हो जाएगा. ठीक है, PA हमारे पास है 16, AB हमको फाइंड करना है, PB कितना है 5, PB 4 है. ठीक है, यहां से हमको AB चाहिए, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 4, AB हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है. अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे, सेकेंड की बात करेंगे तो हम लोगों का होता है कि टेंजेंट पीटी बताना है. ठीक है, तो बाय द थ्योरम सेकेंड पार्ट है, बाय द थ्योरम पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पीसी इंटू पीडी. ठीक है, पीसी इंटू पीडी. ठीक है, अब हमारे पास है क्या क्या चीजें, पीसी भी है, ठीक है, और पीडी भी है, तो हम पीटी इजिली निकाल सकते हैं. P
PT स्क्वायर इज इक्वल टू PC 12.8 इनटू PD कितना है 5। क्लियर। यहां से PT स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 5 इट्स अ 40 और 5 टू जा 10 4 14 5 1 जा 5 5 1 6 वन डिजिट पे डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस कि PT स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 64। हम इसको हटा देते हैं। क्लियर। तो यहां से PT इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64। PT यहां से आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर।